नमस्कार, आपका स्वागत है जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद आइए रुक करते हैं देश और विदेश की मुख्य खबरों की ओर। गाजीपुर बम प्लांटिंग पर बड़ा खुलासा, विस्फोटक में आईईडी के अलावा टाइमर भी था सेट, अमोनियम नाइट्रेट का किया था इस्तेमाल। स्वामी प्रसाद मौर्य संघ हुंकार भरने के बाद फंसे अखिलेश यादव, भारी भीड़ जुटाने के लिए लखनऊ डीएम ने दिए जांच के आदेश। चुनाव का टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोए बीएसपी नेता, 67 लाख रुपए लेकर भी प्रत्याशी ना बनाने का लगाया आरोप। बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, 1.39 लाख आईसीयू बेड में से महज 5% है शिशुओं के लिए रिजर्व। पंजाब को दहलाने की साजिश, अमृतसर से मिला 5 किलो आरडीएक्स, एक दिन पहले गुरदासपुर से हुई थी बरामदगी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री 19 जनवरी को करेंगे साल का पहला स्पेस वॉक, स्पेस स्टेशन के बाहर बिताएंगे 7 घंटे। भारत से ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, 2780 करोड़ रुपए में हुई डील। पीएम मोदी की बैठक से गायब रहे महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मिला बोलने का मौका। नागालैंड फायरिंग के फॉरेंसिक नतीजे मिलने के बाद एसआईटी कोर्ट में पेश करेगी फाइनल रिपोर्ट, अब तक 31 जवानों की हुई जांच। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, एयर चीफ मार्शल भी रहे मौजूद। आईआईटी हैदराबाद में कोरोना विस्फोट, 112 छात्र मिले संक्रमित, एक्सपर्ट से जारी की चेतावनी। पीएम मोदी की मीटिंग में नहीं मिला बात करने का मौका, अशोक गहलोत ने ट्विटर पर दे डाली सलाह। अनाउंस हुई कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म फंकार, फैंस हुए एक्साइटेड। जुबिन नौटियाल और पायल देव का सॉन्ग मेरी तरह हुआ रिलीज, गाने में दिखी हिमांश और हैरी की जबरदस्त केमिस्ट्री। दक्षिण अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट जीतकर भारत को दिलाया दोहरा झटका, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में भी छोड़ा पीछे। तो आज की देश और विदेश की मुख्य खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।